अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल्सो फाइन। तो टुडे आई एम शेयरिंग द होममेड पिज़्ज़ा रेसिपी विच इज़ वेरी वेरी इजी एंड क्विक टू कुक। अच्छा, तो इसके लिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस बना लिया है। पहले पिज़्ज़ा सॉस के लिए मैंने एक प्याज और एक टमाटर ग्राइंड करके उसमें मैंने ऑरेगनो मिक्स किया, थोड़ी सी मिर्ची डाली, थोड़ी सी नमक डाली और सोया सॉस ऐड किया और थोड़ा सा मैंने सिरका ऐड करके और ऑरेगनो ऐड करके उसको अच्छी तरह मैंने भून लिया। भूनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने अच्छा इसके अंदर लहसुन अदरक भी शामिल किया था, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें क्रश चिलीज़ भी ऐड की थी। देन उसके बाद मैंने इसमें टोमेटो पेस्ट मिलाया और केचप मिला के ये मेरी तैयार हो गई पिज़्ज़ा सॉस। अच्छा, अब मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ चिकन मिंस फिलिंग। आप चिकन चंक्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप सॉसेजेस भी यूज़ कर सकते हैं और आप पेपरोनीज भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्याज और एक टमाटर ग्राइंड कर लिया था और इसके अंदर जो है मैं ऐड करूँगी एक चम्मच, एक टीस्पून के करीब लहसुन अदरक, और ये ऑप्शनल है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और वो लहसुन अदरक नहीं पसंद करते हैं, यू कैन स्किप। तो यहाँ पे जो है ये मैंने लहसुन अदरक ऐड कर दिया, इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। अच्छा, मैं चिकन मिंस क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए इजी टू ईट होता है। अगर आप चिकन चंक्स यूज़ करना चाहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, आप वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा की टॉपिंग तो आप वॉट एवर यू लाइक, आप जो दिल चाहे आप बना सकते हैं, बहुत ईजी होता है। और जो है इसको आप बना के बल्क में और इसको स्टोर भी कर सकते हैं अप टू वन वीक। आप वन वीक तक इसको फ्रीज कर दें और ये बहुत सुबह बस आप इसको गर्म करें और दे दें। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मेरा मसाला भुन गया था, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपना चिकन मिंस। मैंने मशीन का मिंस यूज़ किया था, आप जो है हाथ का भी मिंस ले सकते हैं या ख़ुद से चंक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बस इसको यहाँ पे जो है ना भून लूँगी और इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी आगे। अच्छा, जो है ये मैं आपको बता रही थी कि बहुत इजी है, फौरन बन जाता है। आप एक बार बल्क में बना के रख दें और आप इसको स्टोर कर दें फ्रीज करके, आपको इसको बेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्रीज़र से जब आपको देना हो आप निकालें और आप जो है इसको बेक करके और दे सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मैंने टिक्का मसाला जो अवेलेबल है मार्केट में, मैंने शान का यूज़ किया है, वो मैंने थोड़ा सा ऐड किया है टिक्का मसाला इसके साथ। अब मैं थोड़ा मसाले को भून रही हूँ देन, और जो है इसमें मैंने अच्छा लहसुन अदरक भी शामिल किया था, आई डोंट नो इसमें वीडियो में आया है या नहीं। अच्छा, इसके अंदर जो है मैं ऐड करूँगी ऑरेगनो और ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ये मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। ब्लैक पेपर ऐड करूँगी फिर मैं इसमें टी स्पून और ये जो चिकन मिंस है मेरे पास ये हाफ के जी है, जो कि बहुत सारे आपके पिज़्ज़ा इससे बन सकते हैं। अच्छा, तो इसमें जो है मैं ऐड करूँगी टोमेटो प्यूरी भी, ये मैंने ऑरेगनो ऐड किया है इसमें अराउंड 1 teaspoon अगेन, और मैं अब इसको भून लूँगी अच्छी तरह। ये मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है अगेन 1 teaspoon, टोमेटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ 2 बड़े टेबलस्पून, अच्छे से आप फ्राई कर लो। अच्छा जी, इसको गला लें, गलाने के बाद अच्छी तरह आप इसको भून लें। वंस अच्छी तरह से भूनिफाई हो जाए देन हम इसमें जो है ऐड करेंगे बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस से बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा इसमें,
ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन इसके मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि बहुत मज़े का स्मोकी सा फ्लेवर आता है इसका। तो ये मैंने बारबेक्यू सॉस ऐड किया है, इसको बस मिक्स करके और आप चूल्हे को कर दीजिए बंद। अच्छा, फॉर टॉपिंग मैंने पेपरोनीज ले ली है, पिज्ज़ा चीज़ ले ली है, आई एम यूजिंग ऑलिव्स, कैप्सिकम, पिज्ज़ा सॉस, मिंस फिलिंग जो है मेरे पास, मेयोनीज एंड क्रीम चीज़। और इसके लिए मैंने जो है प्री मेड जो क्रस्ट मिलती है, अवेलेबल है मार्केट में, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर जो पिज़्ज़ा सॉस मैंने तैयार किया था वो मैंने अच्छे से इस पर स्प्रेड कर दिया है। आफ्टर पिज़्ज़ा सॉस मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ चीज़, एक लेयर आप चीज़ की ऐड कर दें, देन आप उसके ऊपर जो आपने फिलिंग प्रिपेयर की है वो ऐड कर दें, अगर वेजिटेबल्स ऐड करनी है आपको वो ऐड कर सकते हैं, और फिर ऑलिव्स ऐड कर दिए, देन आप कैप्सिकम ऐड करें और मज़ीद चीज़ ऐड कर दें। तो जनाब तैयार है आपका पिज़्ज़ा बेकिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं एयर फ्रायर यूज़ कर रही हूँ फॉर बेकिंग, लेकिन अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, ये नहीं है कि आप पिज़्ज़ा नहीं बना सकते, आप बिल्कुल बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 180 टेम्परेचर पे फॉर 10 मिनट्स इसको बेक किया है। आप एयर फ्रायर की जगह अपना पैन यूज़ कर सकते हैं, पतीला यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन यूज़ कर सकते हैं, गैस ओवन यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ईजी होता है, होममेड पिज़्ज़ा है, बच्चों के लंच के लिए बहुत अच्छा रहता है और हेल्दी होता है, आपको पता है कि आप अपने बच्चे को दे क्या रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है एक दूसरा पिज़्ज़ा टॉपिंग प्रिपेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पहले सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस ऐड किया है, अब मैं इसके अंदर जो मैंने मेयोनीज एंड क्रीम चीज़ ली हुई थी उसको मैं ऐड करूँगी, और ये क्रीमी सा एक जो है ना इसका स्प्रेड बन जाएगा। जब आप जाते हैं पिज़्ज़ा हट या ब्रॉडवे तो वहाँ पर जो क्रीमी वाला पिज़्ज़ा मिलता है ना, बिल्कुल वैसी इसकी जो है ना ये बेस बन जाती है, बहुत यमी लगती है खाने में। और जो है इसमें आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसी सॉस के अंदर क्रीम चीज़ एंड मेयोनीज़ को अच्छे से मिक्स करके इसको अगेन स्प्रेड कर लीजिए, देन आप इसमें अपनी टॉपिंग ऐड कीजिए। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चिकन की जो टॉपिंग है वो, और साथ में मैं ऐड करूँगी पेपरोनीज और ऑलिव्स एंड कैप्सिकम। आप इस तरह से प्रिपेयर करके अपने पिज़्ज़ा की जो डो है ये आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट जार में फ्रीज़ कर सकते हैं अप टिल 1 वीक। यहाँ पे मैंने आपको टॉपिंग के आइडियाज़ बता दिए हैं, तो यहाँ पे जी मेरा तैयार है मेरा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा, और ये 10 मिनट्स में तैयार हो गया है। बहुत ईजी है, हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए, आपके हाथ में है, आप अपने बच्चे को क्या देना चाह रहे हैं। वेजिटेबल्स बच्चे ऐसे नहीं खाते, इस उसमें बच्चे वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं, और घर की चीज़ हमेशा हेल्दी होती है, तो ऑलवेज़ चूज़ अ होम कुक्ड फूड फॉर योर किड्स। तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ आइडिया कि किस तरह से आप जो है इसको लंच में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू आर लाइकिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नए व्लॉग और एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। योर मोटिवेशन सपोर्ट्स मी टू व्लॉग मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।